बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 20 है। आज हम आपके लिए बुक रिकॉर्ड कर रहे हैं खुल्फ़ाए राशिदीन, मुसन्निफ़ शाह मुइनुद्दीन अहमद नदवी, आवाज नाशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं 03002919600 पर मोहम्मद अजहर से, या फिर 03455234518 पे मोहम्मद शफीक से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 20। हजरत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को इस इख्तिलाफ से इस कदर खलजान हुआ कि जिहाद से वापस हुए तो सीधे बारगाह खिलाफत में हाजिर हुए और मुफस्सिल वाक़ियात अर्ज करके कहा कि अमीर उल मोमिनीन, अगर जल्द इसकी सलाह की फिक्र न हुई तो मुसलमान ईसाइयों और रोमियों की तरह खुदा की किताब में शदीद इख्तिलाफ पैदा कर लेंगे। हजरत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के तवज्जो दिलाने पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को भी ख्याल हुआ और उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत अफ़सा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से ऐब सिद्दीकी का मुरत्तब मुदव्वन किया हुआ नुस्खा लेकर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, सईद बिन अलास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से इसकी नकलें करा के तमाम मुल्क में इसकी अशाअत की और इन तमाम मुख्तलिफ मसाहिफ को जिन्हें लोगों ने बतौर खुद मुख्तलिफ इमलाओं से लिखा था सफाए हस्ती से मादूम कर दिया। ज़ाहिर है जब इख्तलाफ को रफा करने की कोशिश न की जाती तो आज कुरान का भी वही हाल होता जो तौरात और इंजील और दीगर सहाफे आसमानी का हुआ हो। फजल कमाल नोश्त वांद। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा में से थे जो इस्लाम से पहले ही नोश्त वांद जानते थे। इस्लाम के बाद इस मलका में और ज्यादा तरक्की हुई। किताबत ये वही आपकी तहरीर किताबत की महारत की बिना पर हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको किताबत वही पर मामूर किया था और जब कभी कोई आयत नाजिल होती थी तो आपको बुलाकर लिखवाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि एक दफा शब के वक्त वही नाजिल हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखने का हुक्म दिया तो उन्होंने उसी वक्त तामील इरशाद की। असलूब तहरीर का अंदाजा इन फरामीन खतूस से हो सकता है जो अब तक किताबों में महफूज है। अफसोस है कि अल्फाज की फसाहत और कलाम की बलावत का तल्लुत तर्जुमे में कायम नहीं रह सकता। बैत खिलाफत के बाद तमाम मुल्क में जो मुख्तलिफ फरामीन भेजे हैं उनमें से एक के चंद फिक्र ये हैं। तर्जुमा, अतबा और अतात ही से तुमको ये दर्जा हासिल हुआ है, बस दुनिया तलवी तुमको तुम्हारे मकसद से बर्गश्ता ना करने पाए। उम्मत में तीन असबाब के मुश्तमा हो जाने के बाद दुदाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दौलत की बहुतात, लौंडियों से औलादों की कसरत, आराम आजाम का आजम का कुरान पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुफ्र अजमियत में है, क्योंकि वो जब कोई बात नहीं समझ सकते तो ख्वा मुखा तकलीफ करके नई नई बातें गढ़ लेते हैं। एक फरमान में अमाल को तहरीर फरमाते हैं। तर्जुमा, करीब है कि तुम्हारे आयमन गिरबान होने के बजाय सिर्फ तहसीलदार होकर रह जाएं। अब ऐसी हालत हो जाएगी तो हया अमानत और वफादारी नापैद हो जाएगी। हाँ, बेहतर तरीका ये है कि तुम मुसलमान के नफा नुकसान का ख्याल रखो, इनका हक उनको दिलवाओ, जो इनसे लेना चाहे वो इनसे वसूल करे। तकरीर, दरजस्ता तकरीर और खताबत का मलका न था। चुनाचे मस्कत नशीनी के बाद पहले पहल जब मिंबर पर तशरीफ लाए तो जबान ने यारी ना की और सिर्फ ये कहकर उतर आए कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले इसके लिए तैयार होकर आए थे, मैं भी आइंदा तैयार होकर आऊंगा, लेकिन तुमको तकरीर करने वाले इमाम से ज्यादा काम करने वाले इमाम की जरूरत है। आपकी तकरीर मुख्तसर लेकिन फसीह व मुअस्सर होती थी। ये खुतबे के चंद इब्तदाई फकरे ये हैं। तर्जुमा, लोगों बाज हर्सोतमा एहतियाज बहज है और बाज नाउमीदी तो नदवी और बेनियाजी के मुतरादिफ है। तुम ऐसी चीजें जमा करते हो जिससे उत्तमता नहीं हो सकते और ऐसी उम्मीदें बांधते हो जो पूरी नहीं हो सकती हैं। तुम लोग इस धोखे के घर में एक वक्त मुकर्रा के लिए छोड़े गए हो। कुरान पाक,
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुरान का पढ़ना या पढ़ाना सबसे अफजल है। गालिबन इसीलिए उनको कुरान शरीफ से खास शगफ था। दूसरा काबिराबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह वो भी कुरान मजीद के हाफिज थे और चूंकि कातिबे वही रह चुके थे इसलिए हर आयत के शायान नुज़ूल और उसके हक़ीक़ी के मफ़हूम से वाकिफ थे। कहते हैं कि अहद नबूवत में उन्होंने भी एक मसहफ जमा किया था। आयत कुरानी से इस्तदलाल इस्तंबात अहकाम और तफरीह मसाइल में खास मलका रखते थे। कुरान पाक को नौ मुस्लिम कौमों की तहरीफ से बचाना उनका बड़ा कारनामा है। ये वाकई भी उनकी फजीलत का एक बात है कि उस वक्त भी जब वो दुश्मनों के नगे में थे और कातिल तक बहुत बकफ इनके सामने थे और वह कुरान की तिलावत में मसरूफ थे। हदीस शरीफ सिलसिला अहदीस में दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्बत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफू अहदीस बहुत कम मरवी है। आपकी कुल रिवायतों की तादाद 146 है जिनमें 3 मुतफिक अलैह हैं यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हैं और 8 सिर्फ बुखारी और 5 सिर्फ मुस्लिम में। इसी तरह सहीहीन में आपकी कुल 16 हदीसें हैं। इनकी रिवायत की गलत की वजह यह है कि वो रिवायात हदीस में हद दर्जा मोहताज थे। फरमाते थे कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करने में ये चीज़ माने होती है कि शायद दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में मेरा हाफ़िज़ा ज्यादा कवी ना हो, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जो शख्स मेरी तरफ वो मनसूख करेगा जो मैंने नहीं कहा है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसीलिए वो हदीस की रिवायत में सख्त एहतियात करते थे। अब्दुर्रहमान बिन हातिब का बयान है कि मैंने किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा पूरी बात करने वाला नहीं देखा, लेकिन वो हदीस बयान करते डरते थे। फ़िक़्ह और इज्तिहाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह काबिर मुज्तहिदीन में दाखिल नहीं, तहम वो शरई और मजहबी मसाइल में मुज्तहिद की हैसियत रखते थे और दूसरे मुज्तहिद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह उनके इजहादात और फैसले भी कुतुब आसार में मशहूर हैं। लोग इनके कौल अमल से इस्तनाद करते थे, खुसूसन हज के अरकान और मसाइल के इल्म में इनका पाया बहुत बुलंद था। इस इल्म में उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा था। शेखीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फतवे पूछे जाते। और पेचीदा मसाइल में उनकी राय दरियाफ्त की जाती थी। एक दफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में गए और अपनी चादर एक शख्स पर जो खाने काबा में खड़ा हुआ था डाल दी। इत्तेफाक से उस पर एक कबूतर बैठ गया। उन्होंने इस ख्याल से कि चादर को अपनी भीड़ से गंदा ना कर दे उसको उड़ा दिया। कबूतर उड़कर दूसरी जगह जा बैठा, वहां उसको एक सांप ने काट लिया और वो उसी वक्त मर गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये मसला हुआ तो उन्होंने कफारे का फतवा दिया, क्योंकि वो इस कबूतर को एक महफूज मकाम से गैर महफूज मकाम में पहुंचाने का बाइस हुए थे। बैतुल खिलाफत के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रमजान के कत्ल का मुकदमा पेश हुआ। हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदालिया थे। इस मुकदमे में जो फैसला हुआ वो भी दर हकीकत एक इश्तिहाद पर मबनी है, यानी मकतूल का अगर कोई वारिस ना हो तो हाकिम वक्त इसका वली होता है। चूंकि रमजान का कोई वारिस ना था इसलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहैसियत वली के क़िसास के बजाय दीत लेना कबूल किया और वो रकम भी अपने जाती माल से देकर बैतुल माल में दाखिल कर दी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद इश्तिहार से बाद मामलात में सहूलत पैदा कर दी। मसलन दीत में ऊंट देने का रिवाज था, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी कीमत भी देनी जायज करार दी। उनके बाद इश्तिहादी मसाइल से दूसरी मुज्तहिदीन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इख्तलाफ भी था, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि अपनी राय को सही समझते थे इसलिए उन्होंने अपने इश्तिहार से रुजू नहीं किया। मसलन आप लोगों को हज तमता यानी हज और उम्रे के लिए अलहदा अलहदा नियत करने से इस बना पर रोकते थे कि इसके जवाब की लत अब बाकी नहीं रही, यानी कुफार का खौफ। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको तस्लीम नहीं करते थे।
इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल था कि अगर कोई शख्स हज के मौके पर इमामत की नियत कर ले तो उसको मीना में भी पूरी 4 रकत नमाज अदा करनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मीना में कसर करना जरूरी समझते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत अहराम में नाजायज करार देते हैं क्योंकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इसकी ममानियत सुनी थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके जवाज का फतवा देते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जन मुतल्लिका को जिसको तलाक बाइन दी गई हो हालत इद्दत में वारिस करार देते थे क्योंकि उनके ख्याल में जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए उस वक्त तक एक रिश्ता कायम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे इख्तलाफ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इससे इख्तलाफ था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल था कि अगर कोई शख्स हालत इद्दत में किसी औरत से निकाह कर ले तो मुस्तौजब सजा है कि कुरान ने इसकी ममानियत की है। चुनाचे एक शख्स इनके अहद में इसका मुर्तकिब हुआ तो उन्होंने उसको जिलावतन कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको किसी हद शरई का मुस्तवजब नहीं समझते थे। गर्ज इसी तरह बाज और मसाइल में भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तलाफ था, लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इख्तलाफ किसी नफसानियत पर मबनी था। इन बुजुर्गों की रवादारी और सफाई कलब का यह हाल था कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु ने मीना में 2 रकत नमाज के बजाय पूरी 4 रकत नमाज अदा की तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तु ने फरमाया, अगरचे मेरे ख्याल में कसर जरूरी है लेकिन मैं अमलन अमीर उल मोमिनीन की मुखालफत नहीं करूंगा, चुनाचा खुद भी 2 के बजाय पूरी रकतें पढ़ी। इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु को जब यह मालूम हुआ कि बाज मसाइल में दूसरे सहाबा रजी अल्लाह तु को इख्तलाफ है तो फरमाया कि हर शख्स को अख्तियार है जो हक नजर आए उस पर अमल करे, मैं किसी को अपनी राय मानने पर मजबूर नहीं करता। बाज ना वाकिफों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तु के किसी मसले पर एतराज किया तो फरमाया, हम लोग खुदा की कसम सफर में आने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, हम बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आयादत फरमाते, हमारे जनाजों के पीछे चलते, हमको साथ लेकर जिहाद करते थे, कम बेश जो कुछ होता उससे हमारी गमखारी फरमाते। अब ऐसे लोग हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताना चाहते हैं जिन्होंने शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी ना देखी हो। इल्मुल फराइज़ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को चूंकि तिजारती कारोबार से हमेशा साबका पड़ता था इसलिए उनको इल्म हिसाब से जरूर दिलचस्पी रही होगी, जिसका सबूत यह है कि फराइज यानी इल्म तकसीम तरका से जिसमें हिसाब को बड़ा दखल है मुनासबत थी। चुनाचा इस फन की तदवीन और तरतीब में हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनका हाथ भी शामिल है। कुरान शरीफ में ज़िल्फ़रूद और बास उस बात का जिक्र है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मुज्तहिदाना क़ुव्वत से इसी को बुनियाद करार देकर मौजूदा इल्म फ़राइज़ की इमारत कायम की। ये दोनों अपने जमाने में इस फन के इमाम समझे जाते थे, अहद सिद्दीकी और अहद फारूकी में विरासत के झगड़ों का फैसला भी करते थे और इससे मुतालिक तमाम मुश्किल अकदों को हल फरमाते थे। बाद साहबों को यहाँ तक खौफ था कि इन दोनों की वफात से फराइज का इल्म ही जाता रहेगा। अखलाको आदात हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला फितरतन अफीफ पारसा दयानदार और रास्तबाज थे, हया और रहमदिली की खास शान थी। अय्याम जाहियत में जबकि अरब का हर बच्चा मस्त शराब था उस वक्त भी उस्मान ज़ुन्नूनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान दादे गुलगुल के जायके से नाशना थी और जब कज़्ब अफ़ज़ा फुस्क फुजूर आलमगीर था आपका दामन इन धब्बों से आलूदा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने औसाफ़ को और भी चमका दिया था। खौफ खुदा तमाम महासिन का सर चश्मा है, जो दिल खुदा की हैबत जलाल से लर्जा नहीं उससे किसी नेकी की उम्मीद नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अक्सर खौफ खुदाबंदी से आपदीदा रहते, मौत खबर और आखबत का ख्याल हमेशा दामनगीर रहता, सामने से जनाजा गुजरता देखते तो खड़े हो जाते और बेख्तियार आंखों से आंसू निकल आते, मकबरों से गुजरते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। लोग कहते हैं कि दोज़ख जन्नत के तस्करों से तो आप इस कदर रुकत तारी नहीं होती।
आखिर मकबरों में क्या खास बात है कि इन्हें देखकर आप बेकरार हो जाते हैं। फरमाते आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मामला आसानी से तय हो गया तो फिर तमाम मंजिलें आसान है और अगर इसमें दुश्वारी पेश आई तो तमाम मरहले दुश्वार होंगे। हुबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फदियत और जानसारी का हक अदा किया। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ इतनी मोहब्बत थी कि आप अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फकीराना और ज़हदाना जिंदगी देख कर बेकरार रहते थे और जब मौका मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहाइफ पेश करते। एक दफा चार दिन तक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र फाका से बसर किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो आंखों से आंसू निकल आए और उसी वक्त बहुत सा सामान खुद और नौशर 300 दिरहम लाकर बतौर नजराना पेश किए। एहतराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहतराम इस कदर मजबूत था कि जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत की थी फिर उसको नजासत या महले नजासत से मसना होने दिया। अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का खास तौर से पासो ख्याल था। चुनांचे आपने अपने अहद खिलाफत में जब अस्हाब वज़ाइफ के रमजान के रोजीने मुकर्रर किए तो अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का रोजीना सबसे दुगना मुकर्रर किया। अदबाए सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक से इस मोहब्बत मोहब्बत और रिवादात का लाजमी नतीजा ये था कि अपने हर कौल फाल यहाँ तक कि हर का तो सकना और इत्तफाकी बातों में भी महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदबा को पेश नजर रखते थे। एक दफा वजू करते हुए मुतबस्सिम हुए लोगों ने इस मौके पर बेमौका तबस्सुम की वजह पूछी। फरमाया मैंने एक दफा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहे फिदा को इसी तरह वजू करके हंसते हुए देखा था। एक दफा सामने से जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए और फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही क्या करते थे। एक दफा असर के वक्त सबके सामने वजू करके दिखाया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वजू फरमाया करते थे। एक बार मस्जिद के दूसरे दरवाजे पर बैठकर बकरी का पट्ठा मंगवाया और खाया और बगैर ताजा वजू किए हुए नमाज को खड़े हो गए। फिर फरमाया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जगह बैठकर खाया था और इसी तरह किया था। हज के मौके पर आप और एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे थे। तवाफ में उन्होंने रुकने यमानी का भी बोसा लिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर इसका इस्तलाम कराना चाहा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ये क्या करते हो, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ किया, आपको इसका इस्तलाम करते तुमने देखा। कहा नहीं। फरमाया फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा मुनासिब नहीं। उन्होंने जवाब दिया बेशक। हया शर्म हया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इम्तियाजी वस्त था, इसलिए मौरखीन ने इनके अखलाक और आदात के बयान में हया का मुस्तकिल उन्वान कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस दर्जा शर्म हया थी कि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हया का पास लिहाज रखते थे। एक दफा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजमुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफी के साथ तशरीफ फरमा थे। जुआए जानवर मुबारक का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। इसी हालत में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने की इत्तला मिली तो संभल कर बैठ गए और जानवर मुबारक पर कपड़ा बराबर कर लिया। लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस एहतमाम की वजह पूछी तो फरमाया कि उस्मान की हया से फरिश्ते भी शर्माते हैं। इसी कस्म का एक और वाकया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बयान फरमाती है। हज़रत ज़ुनूरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया का यह आलम था कि तन्हाई और बंद कमरे में भी वो बरहरा नहीं होते थे। जोहर हज़रत उस्मान अगरचे
अब कुछ अपनी खल्की नातवानी और जात पीरी के बायस और किसी कदर इस सबब से कि उन्होंने नाज़ो नेमत में परवरिश पाई थी, हल्की गज़ा और नरम पोशाक इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह मोटा झूठा कपड़ा और रूखा फीका खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन इससे यह कयास नहीं करना चाहिए कि आप ऐशो तनम के गर्विदा थे, बल्कि उन्होंने बावजूद गैर मामूली दौलत और सरवत से सरवत के कभी अमीराना जिंदगी इख्तियार नहीं फरमाई और ना कभी सिर्फ ज़ेवो ज़ीनत की चीजें इस्तेमाल की। कस एक खुशमजा रोमी कपड़ा था जो अरब का मतबूआ आम लिबास था। अमरा तो अमरा मुतवस्सित के लोग भी इसको पहनने लगे थे, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी इसको इस्तेमाल ना फरमाया और ना अपनी बीवियों को इस्तेमाल करने दिया। तवाज़ो। तवाज़ो। तवाज़ो और सादगी का यह हाल था कि घर में बीसियों लौंडे और गुलाम मौजूद थे, लेकिन अपना काम आप ही कर लेते थे और किसी को तकलीफ ना देते। रात को तहज्जुद उठते और कोई बेदार ना होता तो खुद ही वजू का सामान कर लेते और किसी को जगा कर उसकी नींद खराब ना फरमाते। अगर कोई दुरुस्त कलामी करता तो आप नरमी से जवाब देते। एक दफा उमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असनाए गुफ्तगु में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की शराफत पर तानाजनी की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया कि अहले इस्लाम में जमाने जाहिलियत का क्या तस्किरा है। इसी तरह एक दफा जुम्मे के रोज मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, उस्मान तौबा कर और अपनी बेएतदालियों से बाज आ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी वक्त कबला रुख होकर हाथ उठाया और कहा, तर्जुमा यानी ऐ खुदा, मैं पहला तौबा करने वाला हूँ जिसने तेरी दरगाह में रुजू किया। ईसार। आपने मुसलमानों के माल में हमेशा ईसार से काम लिया, चुनाचा अपने जमाने खिलाफत में जाती मसारिफ के लिए बैतुल माल में एक हब्बा नहीं लिया और इस तरह गोया अपना मुकर्रा वजीफा आम मुसलमानों के लिए छोड़ दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सालाना वजीफा 5000 दरहम था। इस हिसाब से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दवा जदा साला मुद्दत खिलाफत में 60,000 दरहम की इतना कदर रकम मुसलमानों के लिए छोड़ी जो दर हकीकत सारे नफ्स का नमूना है। फयाजी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब में सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। इसके साथ खुदा ने फयाज तबा भी बनाया था, चुनाचा उन्होंने अपनी फयाजी अपने माल दौलत से उस वक्त इस्लाम को फायदा पहुंचाया जब इस उम्मत में कोई दूसरा उनका हमसर मौजूद ना था। मदीना में तमाम कुएं खारी थे, सिर्फ बैर रूमा जो एक यहूदी की मिल्कियत में था शीरी था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रफा आम के ख्याल से इसको 20,000 दरहम में खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इसी तरह जब मुसलमानों की कसरत हुई और मस्जिद नबवी में जगह की तंगी के बायस नमाजियों को तकलीफ होने लगी तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गिरा कदर रकम सर्व करके उसकी तौसी कराई। आपकी तैयारी का सबसे नुमाया कारनामा यह है कि उन्होंने गज़वा तबूक के मौके पर हजारों रुपए के सर्व से मुजाहिदीन को आरास्ता किया। ये फयाजी ऐसे वक्त में जाहिर हुई जबकि आम तौर पर मुसलमानों को उसरत और तंगी ने परेशान कर रखा था और दूसरी तरफ फैसल रूम की जंगी तैयारियों से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश दामन गिर थी। मस्कूरा वाला फयाजियों के अलावा रोजाना जुदो करम और सदकात खैरात का सिलसिला जारी रहता था। हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे, बेवाओं और यतीमों की खबरगीरी करते, मुसलमानों की उसरत तंगी तंग हाली से उनको दिली सदमा होता था। एक दफा एक जिहाद में नादारी और मुफलिसी के बायस मुसलमानों के चेहरे उदास थे और अहले नफाक हशाश हर तरफ उखड़े अकड़ते फिरते थे। उसी वक्त 14 ऊंटों पर सामान्य खुर्दनोश बार करके आनजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि उसको मुसलमानों में तकसीम करा दे। आजा और अहबाब के साथ उसने सलूक आजा और अहबाब के साथ मसलूक होते थे
आजर अहबाब के साथ हुस्न सुलूक। आजर अहबाब के साथ मसलूक होते थे और उनकी परवरिश फरमाते थे। आपके चचा हकम बिन अलास रजी अल्लाह तआला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से जिला वतन कर दिया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने बारगाह नबूवत में कोशिश करके उनकी खता माफ कराई और अपने अहद में मदीना बुलवाया और जेब खास से उनकी औलाद को 1,00,000 दरहम अता फरमाए और उनके लड़के मरवान से अपनी एक साहबजादी का निकाह करके जहेज में 1,00,000 दरहम अता फरमाए। अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह तआला ने अब्दुल्ला बिन अबी सरह रजी अल्लाह तआला ने उस्मान बिन इब्न अल आस रजी अल्लाह तआला ने अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने के निहायत करीबी रिश्तेदार थे और इनके अहद खिलाफत में मुमताज औहदों पर मुतय्यन रहे। अहबाब के साथ भी यही सलूक था। उनकी जरूरत पर बड़ी बड़ी रकमें कर्ज देते थे और बसा औकात वापस नहीं लेते थे। एक दफा हजरत अल्हा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ी रकम कर्ज दी, कुछ दिनों के बाद वापस देने आए तो लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि ये तुम्हारी मुरम्मत का सिला है। सब्र तहम्मुल, सब्र तहम्मुल का पैकर थे। मसाइब व आलाम को नहायत सब्र सुकून के साथ बर्दाश्त करते थे। शहादत के मौके पर 40 दिन तक बुर्दबारी जब्त और तहमुल का इजहार आपकी जात से हुआ। वो अपनी आप नजीर है। सैकड़ों वफाशार गुलाम और हजारों मोमिन अंसार सरफरोशी के लिए तैयार थे मगर इस अयूब वक्त ने खून रेजी की इजाजत ना दी और अपने अखलाक करीमाना का आखिरी मंजर दिखाकर हमेशा के लिए दुनिया से रूपोश हो गया। मजहबी जिंदगी, दिन के वक्त मेहमाते मुहिमाते खिलाफत में मसरूफ रहते और रात का अक्सर हिस्सा इबादत और जरियाफत में बसर फरमाते थे। कभी कभी रात भर जागते और एक ही रकत में पूरा कुरान खत्म कर देते थे। दूसरे तीसरे दिन अमूमन रोजा रखते थे। कभी कभी महीनों रोजे से रहते और शब के वक्त सिर्फ उस कदर खा लेते थे कि सदे रमक के लिए काफी हो। हर साल हज के लिए तशरीफ ले जाते थे। खुद अमीरुल हज के फ़राइज़ अंजाम देते थे। खुसूसन अय्याम खिलाफत में कोई साल हज से खाली नहीं गुजरा। अलबत्ता जिस साल शहीद हुए उस साल महसूर होने के बायस ना जा सके। जाती हालात, मस्कर, हम ऊपर लिख चुके हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हजरत औस बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेहमान हुए और गालिबन अरसे तक इन्हीं के मकान में मुकीम रहे। इसके बाद अपने अहद खिलाफत में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक महल तामिर कराया जो अजमत शान में मदीना की तमाम इमारतों से मुमताज था। ये जगह अब भी सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मशहूर है और कुछ हिस्सा मगरबी हाजियों का जाविया है और यहाँ एक कुतुबखाना कुतुबखाना सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से कायम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर गली की दूसरी तरफ एक मकान के दरवाजे पर मुशहद सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा लगा हुआ है। वसाइल माश, माश का असली जरिया तिजारत था। अरब में कोई उनसे बड़ा दौलतमंद ताजिर ना था। इस गैर मामूली दौलत सरवत के बायस उनको गनी का खिताब दिया गया था। जागीर, फतह खैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो इस मार्के में शरीक थे जागीरें अता की थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में भी एक कतई जमीन आया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मकामात में जायदादें खरीदी थी। मदीने के करीब मकाम में वकील में भी एक निहायत वसी कता खरीदा था जिसको उन्होंने कब्रिस्तान के लिए वक्फ फरमा दिया था। ज़राअत, जहाँ तक मालूम है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ज़राअत नहीं फरमाते थे, अलबत्ता अपनी जमीन को बटाई पर देते थे कि पैदावार में से 2 सलस का काश्त का रखो, 2 सलस काश्त का मिलता है और सिर्फ 1 सलस आपका हक होता था। गजा, जवाफ और पीरी के बायस गजा अमूमन नर्म हल्की और जोर नजर तनावल फरमाते थे। दस्तखान पर अमूमन अजर अहबाब का मजमुआ रहता था। सफाई, मिजाज में नफासत और तहारत थी। जब से मुसलमान हुए रोजाना गुसल किया करते थे। इब्ने हंबल 600
27 हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे और इत्र लगाते थे। लिबास, इब्ने साद ने आपके लिबास का खास उन्वान बांधा है, गो आप अच्छे कपड़े इस्तेमाल फरमाते थे लेकिन इसमें तकल्लुफात को दखल नहीं होता था। ऐसे कपड़ों से निहायत परहेज करते थे जिससे मिजाज में गुरूर, तकब्बुर और खुदबीनी का मादा पैदा हो जाता है। नफ्स एक खास किस्म का रूमी कपड़ा था जो अमराए अरब में अमूमन निहायत मतबूआ था, लेकिन उन्होंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया और न अपनी बीवियों को पहनने दिया। पार्ट 20 यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। किताब खुल्फ़ाए राशिदीन का मक्या हिस्सा पार्ट 21 पर समाप्त हुआ। शुक्रिया।